सो मेनली दीज आर द थिंग्स। भाई अगर मैं अपनी रिटायरमेंट कार कोई सेलेक्ट करूँगा ना, वो होगी ये। तो भाई प्रिंस को ये गाड़ी पसंद आ गई है और अब ये फाइनलाइज कर रहा है। और आज हमारे पास फर्स्ट बैच ऑफ हमारी समर क्लोथिंग के सैंपल्स आ जाएंगे और आपको प्रीमियम क्लोथिंग का बिल्कुल फील देंगे। क्या आप लोगों को पता है डिटेलिंग डेविल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मर्सिडीज बेंज का ऑफिशियल वेंडर है? और लाइफ की ना सबसे बड़ी मिस्टेक थी वैसे। मनोज बहुत बहुत मुबारकें, लेकिन एक ही गलती इंसान एक ही जिंदगी में दो बारी कैसे कर सकते हैं तो बता दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। तो भाई कल का दिन बड़ा ही हेक्टिक गया और अभी तक ना जेट लैग वाला जो सिचुएशन है वो भी कंटिन्यू चल रही है। अच्छी बात यह है कि कुछ चीज़ें जो हमारी प्रोडक्शन में चल रही थी वो पूरी होगी एंड होपफुली विल बी एबल टू शिप देम ऑन टाइम। और आज हमारे पास फर्स्ट बैच ऑफ हमारी समर क्लोथिंग के सैम्पल्स आ जाएंगे। तो सैम्पल्स भी बैचेस में बनवाए हैं बिकॉज अलग अलग मैन्युफैक्चरर से बनाया है, क्योंकि कुछ के पास कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं थी, किसी के पास कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो अलग अलग जगह से बनवाई हैं और आपको प्रीमियम क्लोथिंग का बिल्कुल फील देंगे। भाई फील क्या मतलब, प्रीमियम क्लोथिंग ही देंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। बट डेफिनेटली थोड़ा सा प्राइस पॉइंट इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसका रीज़न है बिकॉज हमने चीज़ें कुछ ऐसी करी हैं जो कि प्रीमियम लेवल की है और आपको पहन के फील आएगी भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। बाकी आज हो सकता है मैं घर का चक्कर मारूं, घर का एसी का काम कंप्लीट हो चुका है जैसे कि मैंने आपको बताया था। एलिवेटर का काम अभी भी पेंडिंग है, आज सुबह भी बात करी थी, बिल्डर बहुत ही बेकार है। आप मागुन से कोई भी सामान मत लेना, कोई भी मत लेना, कोई भी चीज़ टाइमली डिलीवर नहीं हुई है, आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ा। 6 महीने तो मेरे को ही हो गए फॉलो अप करते हुए। इमेजिन ये करो, सिर्फ 2 काम उनके साइड गए थे, वो भी पूरे नहीं हुए और उनको करते करते 6 महीने निकाल दिए उन्होंने पीछे पड़ पड़ के। और जब तक वो दोनों काम नहीं होंगे आप घर पर ना कुछ भी नहीं छिड़वा सकते। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, एसी के साथ कनेक्टेड होता है पानी का सिस्टम सारा। पानी का सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है इन केस अगर आपने पहले से चेक नहीं करवाया और आपका कोई ट्रैप बंद हुआ तो सीलन हो सकती है। तो भाई आज डिसाइड किया है कि एक बारी ना वर्कशॉप पे भी चक्कर लगा लेते हैं, क्या काम चल रहा है आपको दिखाते हैं वहाँ पे, कौन सी गाड़ियाँ आई हुई है। भाई गाड़ियाँ देख के मन लगा रहता है बस, और नए नए लोग जुड़ते रहते हैं। वी आर प्लानिंग टू ऑक्यूपाई द नेक्स्ट स्पेस बट बात बनी नहीं, यहाँ के ना जो ऑनर है ना वो अटका हुआ है। इन सीढ़ियों से कोई गिरा था हमारे यहाँ ऑफिस में ना, और ये देखो बोतलें वोतलें सब फेंक रखी है। भाई ऑफिस में सफाई क्यों नहीं हो रही भाई, कहीं पर कुछ भी बोतलें यहाँ पे रख देते तुम, क्या कर रहे हो भाई? फिर कह रहे थे गिर जाता मैं यहाँ से। हैं BMW वाले कस्टमर भी बहुत दिन हो गए आए नहीं है, प्लीज़ अपनी गाड़ी ले जाओ। ये वाली गाड़ी भी हो गई है, आई थिंक इसका स्टेयरिंग का काम चल रहा है, स्टेयरिंग इसका नहीं दूसरे वाली गाड़ी का, ये भी कस्टमर नहीं आया लेके गए हैं। एक इस वाली गाड़ी पे चल रहा BPF, एक इधर वाली गाड़ी पे चल रहा BPF, इस पर भी 7 ईयर्स वाला ही है ना अपना। ये गाड़ी आई हुई है हमारे पास एनुअल मेंटेनेंस के लिए। हमें तेरी बहुत कंप्लेंट आ रही है बेटा, फिर से ये तेरे को समझ में आनी चाहिए। तो भाई वर्कशॉप के आपको दर्शन करा के अब निकल गए हैं हम मर्सिडीज़, कुछ वहाँ पे काम था, एक मीटिंग है, और मीटिंग होने के बाद सक्सेसफुली मीटिंग होने के बाद फिर मैं आपको अपडेट दूंगा कि एग्जैक्टली हमारी मीटिंग क्यों थी मर्सिडीज़ के अंदर। और इनफैक्ट मर्सिडीज़ बेंज इंडिया भी हमारे साथ काम करना शुरू करेगा जल्दी, वेरी वेरी सून। क्या आप लोगों को पता है डिटेलिंग डेविल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मर्सिडीज़ बेंज का ऑफिशियल वेंडर है? नहीं पता है तो जाके देख लेना, उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। और मैंने आपको वो किस्सा बताना भूल गया था कि गड़बड़ क्या हुई थी। भाई मैंने ना 3 दिन ओवरस्टे कर लिया बियॉन्ड माय वीज़ा वैलिडिटी। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर तो मेरे को वहाँ पे पुलिस पकड़ती तो वो मेरे को डिपोर्ट करते और फिर सारा डिपोर्टेशन का प्रोसेस फॉलो होता। अब मैं इस सिचुएशन में ना लकी था। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या हुई, तो एक आती है आपकी वीज़ा की ट्रैवल वैलिडिटी कि आप किस पीरियड से लेके कितने पीरियड तक
मतलब ट्रैवल कर सकते हो, वो होती है डेट से डिफाइंड, और दूसरी आती है नंबर ऑफ डेज, कितने रुक सकते हो आप। तो मैंने ना ट्रैवल डेट्स तो चेक कर ली थी कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक ट्रैवल कर सकता हूँ, मैंने डेज नहीं चेक किए थे, और लाइफ की ना सबसे बड़ी मिस्टेक थी। वैसे अच्छी बात ये थी कि मेरे पास ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी थी, तो उन्होंने मेरे को वार्निंग दे के छोड़ दिया, बट स्टिल वो अपनी तरफ से ना इन्फॉर्म करेंगे एम्बेसी को, और जैसे ही वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती मेरे पास एक लेटर आएगा, और उस लेटर का मेरे को देना पड़ेगा जवाब कि भाई मैं एक्स्ट्रा स्टे वहाँ पे क्यों किया। अब जवाब तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं मेरी तरफ से सिर्फ अपॉलोजी जाएगी, ऐसे हाथ जुड़े हुए हैं कि मेरे से हो गई गलती, और प्लीज़ आप ये गलती ना खुद से मत करना। तो इट इज़ अ लेसन फॉर एवरीवन, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ भी लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ, आई हैव ट्रैवल्ड मोर देन 50 कंट्रीज, और ऐसा मैंने ना पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि पहले से डिफाइंड होता था ट्रिप। इस बार क्या हुआ, मैंने ट्रिप थोड़ा सा ना एक्सटेंड कर लिया, मतलब 2-3 दिन ही एक्सटेंड करा, और वही एक्सटेंशन जो थी ना वही गड़बड़ कर गई। एक ना ये टॉल वाले भी ना बीच में टैक्सी वालों को रोक देते हैं, और उसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। तो भाई यहाँ पे पहुँचने में लगेंगे 20 मिनट, और 20 मिनट बाद कहानी असली वाली शुरू होगी मर्सिडीज़ के साथ। तो भाई प्रिंस को ये गाड़ी पसंद आ गई है, yes. और अब ये फाइनलाइज कर रहा है। प्रिंस आपको अनलॉक करके दिखाएगा। ओके, अनलॉक करो भाई, अनलॉक करो। ये शायद लॉक्ड ही है, तो ये मेबैक इसलिए लॉक। बच गया तू? हाँ ये लॉक्ड है, चाबी नहीं है। कि वैसे पुराने वाला इंटीरियर है, अब तो नए वाले में सारा वो आ गया है, पूरी डिस्प्ले और अलॉय सबसे ज़्यादा है। मेबैक के अलॉय व्हील्स वैसे कई लोगों को नहीं पसंद आते हैं। व्हील वाइज देख रहा तू कितनी लंबी गाड़ी है। तो भाई अगर मैं अपनी रिटायरमेंट कार कोई सेलेक्ट करूँगा ना, वो होगी ये, क्योंकि उस सिचुएशन में मैं इस सीट पे नहीं बैठना चाहूँगा, मैं इस सीट पे डेफिनेटली बैठना चाहूँगा। फॉर मी दिस वुड बी द रिटायरमेंट कार। तब तक तो पता नहीं क्या क्या चेंज हो जाएगा इसमें, और अगर आप स्पीड के एंथुजियास्ट हो, आई मीन ये वाली गाड़ी भी अच्छी है, बट दिस इज़ गुड फॉर बिजनेस डीलिंग एंड ऑल। स्पीड के एंथुजियास्ट हो, दिस इज़ द परफेक्ट पैकेज फॉर यू। बड़ी सॉफ्ट टॉप के साथ आता है, तो हमने ये वाली गाड़ी वहाँ पे भी चलाई थी, जो मर्सिडीज़ का इवेंट था ना वहाँ पे। अल्टीमेट मशीन है भाई, मज़ा आया था उसको चला के। और ये नई वाली GLA है, विच लुक्स फैंटास्टिक, थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट और चेंज करना चाहिए। अंदर से आप देखो ऐसे नज़र आती है, तो डिस्प्ले बड़ी कर दी है इन्होंने, एंड दिस इज़ लाइक एन एंट्री लेवल कार। अगर आप मतलब पर्सनली खुद चलाने के लिए आपने लेनी है, तो ये दिस इज़ अमेजिंग कार। और इंजन भी थोड़ा सा छोटा कर दिया इन्होंने। इंजन के स्पेक्स दिखाई है उसमें, कितने शायद 1.5 लीटर है, कितना है ये ऊपर करना, ऊपर आएगा पेट्रोल में। इंजन परफॉर्मेंटे है ये रही भाई इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन। पेट्रोल में तो 1500 cc से भी कम है भाई, और ये DCT है, ड्यूल क्लच 7 गियर्स के साथ, और इसमें मोटर भी लगाई हुई है एक्चुअली, तो इसीलिए। और डीजल में देखो 2 लीटर का है और 8 गियर है, और इसके ना पावर प्रोड्यूस कर रहा है 163 HP 190 HP, और टॉर्क तो डीजल का ज़्यादा ही होगा इसमें, 270 Nm। 0-100 8.9 7.5, डीजेंट है। दिस इज़ 4MATIC, आई थिंक डी यहाँ पर डीजल को डिफाइन कर रहा है, ये पता नहीं होगा भाई, मेरे हिसाब से पेट्रोल ही आ रहे होंगे। सो तो भाई मैं प्रिंस को लेके आया था यहाँ पे खिलाने के लिए, कह रहा है यहाँ नहीं खाऊंगा, हल्दीराम खाऊंगा, मैं आज से वेजिटेरियन हो गया हूँ। हैं ये PP ज्वेलर वाले का शोरूम था जो कि बंद हो चुका है, और ये वाला शोरूम भी खाली पड़ा हो भाई। यार यहाँ पे खुल सकता है डिटेलिंग टेबल्स, बट यहाँ पे है बिल्डिंग का डेट ज़्यादा नहीं। हाँ इधर बिल्डिंग ज़्यादा डेट पड़ी है, इसमें कुछ नोटिस पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे गाड़ी चढ़ाने में बड़ी दिक्कत होगी यार। तो अभी भाई हम जा रहे हैं हल्दीराम्स। भाई क्यों हल्दीराम्स खाएंगे हम, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं आगे, वेज खा लो।
भाई बात वेज की नहीं है कुछ, वहाँ मैं वहाँ से सैंडविच ले लेता। इधर भी है सैंडविच। अरे मतलब चिकन सैंडविच भाई यार, ये बहुत पंगा हो जाता है पता है, आज वर्कआउट भी करना है। चलो अच्छी बात यह है कि हमने ना गाड़ी वहीं पार्क कर दी है। स्मेल देख रहा कितनी आ रही है यहाँ पे, है खुशबू कह रहा है। इससे पूछ ले हल्दीराम वाले से, भाई कहीं और कुछ खाने की जगह है क्या? बोलेगा भाई साहब इतना बड़ा खोला क्यों है हमने, देख पूरी मार्केट है, प्रिंस आगे देख लेते एक बारी, कुछ नहीं मिलेगा। पूछ तो ले एक बारी, बोल आगे इसके अलावा कोई। आ जा खान चाचा है, आ जा आ जा आ जा, बहुत सारे यहाँ पे आउटलेट है। बात नहीं मानता मेरी यार, जरूरी भाई हर जगह नज़ीर क्यों ढूंढ रहा तू? कल अच्छा, हाँ कल वाली वीडियो, आज वाली मतलब जो पोस्ट हो चुकी है। हाँ यहाँ पे आगे ऑप्शन तो है। हल्दीराम से घूम फिर के कहाँ खाने आए हैं ये देखो, और साथ में हम ले रहे हैं मैंगो शेक, वो भी बिना चीनी के। भाई तो खाना कैसा था? बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया पास है, खा के बता भाई प्रिंस। इसमें पता है जैसे वो अलग अलग चटनी देते ना कि नारियल वाली लोग है, वो कह रहे सब ले लो, सब मिक्स कर दी। देख देखने में तो अच्छा लग रहा है। और आ गया अपना मैंगो शेक। भैया आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील जी ने बनाया भाई। तुम्हारा भाई कहाँ? अनिल कहाँ है? गांव में ना, देख ले देख ले। सुनील और अनिल ज्योतिष है ना, बंदे का नाम देख के आप भविष्य बता देते हैं। सही नाम नहीं बताया? देख लो। और कुछ मत पूछ लेना, वही बता देंगे। शादी हुए कितने साल हो गए? 4 साल हो गए ना। शादी 10 साल। भाई की? भाई की ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए। चलो कोई बात नहीं। और आज का लंच ना हमारा पता है कितने रुपए में हुआ? सिर्फ 220 रुपए में। तभी प्रिंस ने पैसे दिए, वरना देता थोड़ा ज़्यादा भी लोता तो है। तभी प्रिंस ने पैसे दिए पता है आपको। बट वहाँ पे ना एक एंटरटेनमेंट हो गया था। जूस वाले की दुकान के बाहर ना एक गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर ना हर दूसरी तीसरी गाड़ी लगती थी ठक। तो हम ना आपस में बात कर रहे कि ये वाली गाड़ी लगेगी कि ये वाली गाड़ी नहीं लगेगी। एंटरटेनमेंट था यार वो, है ना। ये इंडियन ऑयल है? नहीं, भारत पेट्रोलियम है। ब्रांडिंग देखो हाँ, ये बिल्डिंग पे जो ब्रांडिंग हो रखी ना अल्टीमेट, जितने की गाड़ी नहीं उससे ज़्यादा इन्होंने पैसे लगा दिए होंगे इसमें ब्रांडिंग में। कोई बात नहीं प्रिंस, अपनी भी ब्रांडिंग कभी ऐसी होगी। खाने के बावजूद भी ना कह रहा अभी भी भूख लग रही है और फिर भी कुछ खाने के लिए लेने आ गए भाई, छोटा मोटा मतलब मंचिंग मंचिंग के लिए। क्या लेगा प्रिंस मंचिंग के लिए? ये चखने लगे हुए हैं देख ले, रात की तैयारी अभी से शुरू है। कुछ ऐसा कर लेते हैं जो पीने के लिए हो जाए, ये ले लेते हैं। देख हमारी गाड़ी में फ्रिज भी है, कोल्ड कॉफ़ी भी है इसमें 18 ग्राम प्रोटीन वाली। एक कॉफ़ी फ्लेवर ले लेता, डाइट कोक तो बड़ी हुई गाड़ी में। कुछ खाने के लिए लेना तो देख ले। प्रिंस को तो छोड़ दिया था मैंने रास्ते में ही कहीं, वैसे नहीं छोड़ा था उसको, ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उसको आई थिंक वहाँ से पास पड़ता। और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मतलब जहाँ से प्रिंस को छोड़ा था, मतलब वापसी का सफ़र था 45 मिनट्स का, 15 मिनट ही रह गया। कहीं ना ऐसे लगता है कि हम सब लोगों को ना दिल्ली की आदत हो गई है। मैं दिल्ली बोल रहा हूँ, दिल्ली नहीं बोल रहा, क्योंकि पुराने वाले जो लोग हैं, मतलब मेरे टाइम वाले जो लोग हैं, वो शायद इसको आज भी दिल्ली बोलना पसंद करेंगे। इट कनेक्ट्स टू योर हार्ट। तो जब तक ये वाला ऐसा वाला ट्रैफिक नहीं मिलता ना, तब तक मज़ा नहीं आता पता है। तो आपको हमेशा रहता है यार कि जल्दी पहुँच गया कहीं मैं। तो जब तक ऐसा वाला ट्रैफिक नहीं मिलता ना, तब तक ऐसा लगता है कि यार दिन पूरा नहीं हुआ। 40-45 मिनट्स का जाम तो मिलता ही है, तब आप आस पास देख पाते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गाने सुन पाते हो भाई। अदरवाइज़ गाने सुनने का भी टाइम कम हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अगर ये ट्रैफिक नहीं होगा ना, आप ज़्यादा गाने भी नहीं सुन पाओगे। एक बार सोचना कि आपको ट्रैफिक में क्या क्या ऑब्जर्व होता है। लो जी नोएडा एंटर करके भाई, दिल्ली छोड़ने का मन नहीं है भाई, लेकिन पर चॉइस नहीं है अभी मेरे पास। आई एम मूविंग टू नोएडा वेरी वेरी सून।
बाकी अभी देखो मैंने ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करी, जैसे ही मैं इस डैशबोर्ड के ऊपर लाइट डाल रहा हूँ ना, स्क्रीन अपने आप ब्राइट हो रही है। तो यहीं कहीं एम्बियंट लाइट सेंसर लगा हुआ है, या तो वो ये वाला सेंसर है या फिर वो यहाँ कहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से ना ये डिस्प्ले की ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाती है। मनोज बहुत बहुत मुबारकें, लेकिन एक ही गलती इंसान एक ही जिंदगी में दो बारी कैसे कर सकते हैं तो बता दे। घर वाले करवा रहे हैं दोबारा, मैं तो करने नहीं चाह रहा गलती दोबारा। दोबारा रिश्ता पक्का हुआ कि शादी हो गई? सर किसकी शादी है सर, रिश्ता तो पक्का हो गया। अबे कम से कम नाम तो कोई और अलग ले लेता। नाम सुन के तो मैं भी मतलब डरा हुआ हूं काफी अंदर से, क्योंकि पहले जो नाम था पूरे सेम नाम है दोबारा ही। तुम देखा है? नहीं देखा। दस पंद्रह मिनट लेकिन एक ही गलती बार बार कैसे कर सकता है इंसान? दिसंबर में शादी कर देते, मैंने बोला ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाता? फिर लड़ लड़के तो यहाँ तक लेके आओ सर, तो शादी करा सकते होते भाई। तो दोबारा शादी करनी क्यों है? घर वालों को एक बार में वो नहीं लगा कि हाँ गलती हो गई थी? और वो भी ये सोच एक ही गलती दो बारी कर रहा है, वो भी एक ही ऐसे नाम से। ये देखो भाई चिरायु कहते हैं, चिरंजीव कहते हैं, चिरंजीव है चिरंजीव मनोज मौर्य संग आयु। आयु का क्या पूरा मतलब होता है? आयुक्त। आयु सर मतलब वो लड़की को बोलते हैं। चलो जो भी होगा भाई, हिंदी में जिसको अच्छी हिंदी आती है वो बता देना। आयुक्त होता है या पता ही नहीं जो भी होता है। संगीता मौर्य, पहले वाली का नाम भी संगीता था। देखो कार्ड का कलर दो बारी गलती कर रहा है और वो भी एक ही नाम से।